हाय दोस्तों, अगर आप डेली व्हाट्सएप ऑन करते हो और आपने बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं और उनमें आपको इतने सारे एसएमएस और वीडियोस फोटोज़ वगैरह आते रहते हैं और आपका व्हाट्सएप फोल्डर भरता जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो डेटा प्रॉब्लम होगी, जो जल्दी ख़त्म होने वाली प्रॉब्लम है, वो फिक्स हो जाएगी। आपको क्या करना है, यहाँ थ्री डॉट्स दिख रहा है, पहले व्हाट्सएप खोल लेना। यहाँ थ्री डॉट्स दिख रहा है, इस पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स में जाना। उसके बाद आपको जाना है स्टोरेज एंड डेटा में। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो पहला ऑप्शन है व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा फोटोज़। देखो अगर आप चाहते हो फोटोज़ अपने आप डाउनलोड जाए तो ही ऑन रखना, लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि कोई भी फोटो वगैरह अपने आप डाउनलोड हो और मेरा डेटा वेस्ट हो जाए तो बंद ही रखो। और यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई। अगर वाईफाई है घर में तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, बट आप फिर भी चाहते हो कि भाई कोई भी फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी डाउनलोड ना हो, तो ये सारे अनटिक करके ओके कर देना। अब आपके फ़ोन के अंदर जब भी आप इंटरनेट यूज़ करोगे, ना ही आपका वाईफाई जाएगा, ना ही आपका वीडियो वाडियो कुछ भी डाउनलोड होगा, ठीक है? इससे क्या रहेगा, ऑटोमेटिकली आपका जो इंटरनेट है वो सेव रहेगा और ना ही आपको कोई फालतू की वीडियोज़ वगैरह फोटोज़ वगैरह ऑटोमेटिकली डाउनलोड होगी, ठीक है? तो इस तरीके से आप छुटकारा पा सकते हो। जैसे देखो व्हाट्सएप वीडियो अपने आप ऑटोमेटिकली डाउनलोड होती रहती है, बैकग्राउंड में पता भी नहीं चलता, तो इससे हमारा डेटा बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो बार बार डिलीट करने से अच्छा एक बार में अपने आप ही सिस्टम लगा दें, ठीक है? यहाँ से बार बार डिलीट करने से अच्छा मैं डायरेक्ट व्हाट्सएप के अंदर जाकर ही ऐसी सेटिंग करता हूँ कि कोई भी मुझे फालतू की वीडियोस वगैरह कुछ भी ऑटोमेटिक डाउनलोड ना हो, ठीक है? इससे क्या रहेगा, मेरा टाइम बचेगा, मुझे जब ज़रूरत होगी मैं खुद ही कर लूँगा, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो, ठीक है? आई होप आपको समझ आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कोई सवाल है तो कमेंट करना।